सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जनवरी में करेंगे विद्यालय योगदान, एक इंक्रीमेंट का होगा नुकसान। नियोजित शिक्षिका के ऊपर रची गई साजिश का हुआ खुलासा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, सबसे पहले उन तमाम शिक्षिकाओं को मैं यानी एसके चौधरी की ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आज अपनी सुहाग के लिए व्रत रखी हो, और साथ ही साथ उन शिक्षक बंधुओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके लिए आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर व्रत रखी गई हो। दोस्तों, बिहार के वो तमाम नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर राजकर्मी बनने के लिए अपनी आशाएं लगाकर बैठी है, उनके लिए शिक्षा विभाग ने एक अलग ही रणनीति तैयार कर ली है, और ऐसे शिक्षकों को राजकर्मी बनने के बाद एक इंक्रीमेंट का नुकसान झेलना पड़ेगा, और इस आधार पर नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं उनके वेतन और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतनमान में अंतर नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ वो एक शिक्षिका जिनके ऊपर एक पत्र वायरल हो रहा था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ढाका द्वारा उनके ऊपर स्पष्टीकरण किया गया था, उसका भी खुलासा हो गया है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग इस मुहिम में जुट गई है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जनवरी 2025 से पहले नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से बिहार सरकार को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। वहीं अगर जनवरी से पहले उनको विद्यालय में योगदान करा दिया जाता है तो तमाम शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा, और इससे बिहार सरकार को आर्थिक लाभ भी नियोजित शिक्षकों को देना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से यह रणनीति तैयार की गई है कि अक्टूबर माह के अंत तक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए जाएंगे। वही सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे जिसके आधार पर शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का मौका प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बताते चले कि जो भी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है उसमें 10 विकल्पों का चयन हेतु प्रविष्टि की जा रही है, और इस प्रविष्टि के आधार पर तमाम नियोजित शिक्षक 10 विकल्पों का चयन करेंगे। हम बता दें कि 10 विकल्पों के अंतर्गत विद्यालय की व्यवस्था नहीं की गई है। तमाम शिक्षकों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत इत्यादि चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें पुरुष शिक्षकों के संबंध में ना तो प्रखंड चुनने का अवसर प्रदान किया जा सकता है और ना ही पंचायत चुनने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। वहीं रह गई महिला शिक्षिकाओं की बात, तो इन शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से प्रखंड और पंचायत चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं राहत प्रदान किए जाने वाले शिक्षकों को भी गजट के अंतर्गत जो भी प्रावधान किया गया है, जिन कोटि के शिक्षकों के सामने विकल्प के रूप में जो भी प्रावधान किया गया है, जिनके सामने अगर अनुमंडल है तो उन्हें अनुमंडल चुनने का ही अवसर प्रदान किया जाएगा, जिनके सामने अगर प्रखंड है तो उन्हें प्रखंड चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और जिनके सामने अगर पंचायत है तो उन्हें पंचायत चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बता दें कि स्थानांतरण पदस्थापन 2024 नीति के अंतर्गत विद्यालय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इसलिए शिक्षकों को विद्यालय चुनने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा, और इसके लिए शिक्षकों को 1 महीने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 1 महीने तक तमाम शिक्षक अपना ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते रहेंगे, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो कि डॉटफुल के अंतर्गत आए हैं, जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है, उनके लिए भी शिक्षा विभाग व्यवस्था कर रही है। उनके लिए भी बहुत जल्द तिथियों का निर्धारण किया जाएगा और काउंसलिंग शुरू होते ही आवेदन करने का भी मौका प्रदान किया जाएगा। इस तरह से अगर 10 दिनों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है तो कुल मिलाकर कह दिया जाए तो 15 नवंबर तक निश्चित रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद तमाम शिक्षकों को 1 महीने का अवसर प्रदान किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए, और इस तरह से 1 महीने अगर जोड़ दिए जाते हैं तो लगभग 15 दिसंबर तक ये समय सीमा आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि सक्षमता 2 के अंतर्गत जो भी शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनका भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उनका रिजल्ट प्रकाशित होते ही उन्हें भी काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा, और साथ साथ इनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह तक संपन्न हो सकती है। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस पर मंथन करते हुए रैंडमाइजेशन के माध्यम से इनका पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और संभावना ये जताई जा रही है कि 30 से लेकर 31 दिसंबर 2024 को तमाम शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा, और ये भी संभावना जताई जा रही है
कि विद्यालय आवंटन के क्रम में ही इस बात का उल्लेख कर दिया जाएगा कि तमाम शिक्षक 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। रही बात वरीयता की, तो शिक्षा विभाग की ओर से यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि विद्यालय योगदान करने के क्रम में ही शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरह से 1 जनवरी से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण जो कि राजकर्मी बनना चाहते हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा, परंतु जिस तिथि को वो विद्यालय योगदान करेंगे वही तिथि उनके वरीयता का निर्धारण करेगा। तो इस आधार पर अगर जनवरी महीने में शिक्षक विद्यालय योगदान करते हैं तो उनका दिसंबर महीने का जो वेतन होगा उसी वेतन के आसपास का मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिलना उन्हें प्रारंभ होगा और इस तरह से कोई ज़्यादा नहीं 200-250 रुपये का अंतर हो पाएगा, उन्हें कोई भी इंक्रीमेंट दे नहीं होगी। वहीं वैसे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनकी बातें कही जाए तो निश्चित रूप से उन शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में लागू हो जाएंगे। और ऐसा होते ही शिक्षा विभाग इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि नियोजित शिक्षक बने रहने के बाद भी उन शिक्षकों का मूल वेतन कम नहीं होगा। आशाएँ तो ये भी दिख रही है कि ऐसा न हो कि नियोजित शिक्षक बनकर रहने वाले शिक्षकों का मूल वेतन विशिष्ट शिक्षकों से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 200-300 रुपये उन्हें ज़्यादा मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग इसी रणनीति के तहत काम कर रही है, किसी भी सूरत में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं कर रही है, चाहे वो पदस्थापन के मामले में हो, चाहे वो अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण के मामले में हो, या फिर वेतन संरक्षण के रूप में दिए जाने वाले लाभ के रूप में हो। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन दिनों काफ़ी खबर सुनने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा कि पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय जमुआ जो कि प्रखंड ढाका के अंतर्गत आता है वहां एक शिक्षिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को मुहावरा पढ़ाने के क्रम में दारू संबंधी बातों का उल्लेख कर दिया गया था और इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ढाका द्वारा उन शिक्षिका के ऊपर स्पष्टीकरण भी किया गया था, जिसके लिए मैंने भी पिछला वीडियो चलाया है कि उस शिक्षिका द्वारा अगर ऐसी करतूत की गई है तो यह निश्चित रूप से एक साजिश का शिकार हो रही है। मैंने ये कह दिया था कि एक महिला शिक्षिका होने के नाते शिक्षिका को आखिर ये कैसे पता कि दारू का नशा क्या होता है, शराब का एक पैक क्या होता है, निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई साजिश रची गई होगी और यह खुलासा 24 घंटे के अंतर्गत ही हो गई है। जब शिक्षिका ने ही यह स्पष्ट कर दी है कि हमारे द्वारा ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा गया था, हमारे ऊपर साजिश रची गई है और यह साजिश किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मेरे ही प्रधानाध्यापक के द्वारा रची गई है, तो यह खुलासा हो गया है कि उक्त शिक्षिका बिल्कुल सही थी, उनके द्वारा श्याम पट पर कोई भी अनैतिक बातें नहीं लिखी गई थी बल्कि उनके ऊपर साजिश रची गई थी। निश्चित रूप से अब मध्य विद्यालय जमुआ के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है इनके ऊपर भी जांच गठित होनी चाहिए। अगर यह साजिश सत्य साबित होती है तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ही धूमिल नहीं किया है बल्कि एक नारी शक्ति को अपमान किया है, नारी को प्रताड़ित करने का काम किया है, इसलिए कठोर से कठोर सजा उस प्रधानाध्यापक को जरूर मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत ही एक और मामले सामने आए हैं जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रक्सौल के ऊपर प्रपत्र क का गठन कर दिया गया है, साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है और यह मामला जुड़ा हुआ है तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का सक्षमता प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में। बताया जाता है कि सक्षमता प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में वहाँ के लेखापाल हकीम कुमार शाह द्वारा शिक्षकों से पैसे मांग किए जाते थे। शिक्षकों ने इसकी शिकायत ACS डॉक्टर ए सिद्धार्थ के पास की, जिसके बाद इस पर जांच शुरू हुई। जांच के क्रम में यह पता चला कि हकीम कुमार शाह को 1 महीने पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा कार्यालय आया जाया जाता था और यहां खुलकर भ्रष्टाचार किया जाता था। हकीम कुमार शाह के द्वारा ही शिक्षकों से पैसे मांग किए जाते थे और इसके संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने गवाह देते हुए ये बातें कबूल की है कि इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हाथ था, जिनके इशारे पर बर्खास्त लेखापाल हकीम कुमार शाह द्वारा शिक्षकों से पैसे लिए जाते थे और भ्रष्टाचार को खुलकर अंजाम दिया जाता था। इस आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रक्सौल को निलंबित करते हुए उन पर प्रपत्र क का भी गठन कर दिया गया है। तो इस तरह से शिक्षा विभाग ने तुरंत ही बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ऐसे एक्शन से तमाम भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारियों, लेखापालों इत्यादि को सावधान हो जाना चाहिए कि शिक्षा विभाग कतई नहीं छोड़ेगी और साथ ही साथ शिक्षकों को भी चाहिए कि किसी भी बिंदु पर उनसे अगर भ्रष्टाचार की बातें की जाती है तो उन्हें तो उसका खुलासा अवश्य किया जाए, उसे ACS डॉक्टर ए सिद्धार्थ के पास शिकायत अवश्य किया जाए। निश्चित रूप से एक तो शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के तमाम शिक्षक प्रताड़ना झेल रहे हैं, ऊपर से अगर भ्रष्टाचार का मार खाना पड़े तो आखिर शिक्षक जिएंगे कैसे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ।
करेंगे तो करेंगे क्या। तो इस तरह से आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।